तो आज इस इंटरव्यू में मैं आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जिनकी स्टोरी मेरी स्टोरी से काफी मिलती जुलती है। हम दोनों का फैमिली बिजनेस गारमेंट्स का है, साड़ी मतलब कपड़े का है। दोनों की लाइफ में कोविड ने धमाका मचा दिया, तहलका मचा दिया। हम दोनों के बिजनेसेस को तकलीफ हुई कोविड में, और फिर हमने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकें। 5 साल के कॉरपोरेट एक्सपीरियंस के बाद, खुद इंजीनियर रहने के बाद, आज ये डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं हिंदी में और बहुत ही अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि ये हमारे साथ जुड़े हैं। इस इंटरव्यू में मैं आपसे मिला रहा हूं एक मेरी ही तरह की स्टोरी रखने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति से, जिनका नाम है अजीत रांका जी। आइए स्वागत करते हैं अजीत जी का। हेलो एंड वेलकम अजीत, स्वागत है जी, आपका। थैंक यू सो मच। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डिजिटल रचयिता बन चुके हैं। हाउ डू यू फील? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा फील होता है जब कोई चैलेंज देते हैं और हम उस चैलेंज को ओवरकम करते हैं। तो जहां पे मनी लव्स स्पीड, तो रुकना ही नहीं है। ये परफेक्ट। मैं तो डेली एवरी डे में लिखता हूँ, मनी लव्स स्पीड। तो अगर आपको पैसे कमाने हैं, स्पीड पकड़नी पड़ेगी। चाहे इन्वेस्टमेंट करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी को भी फॉलो करना पड़े, आपको करूं। तो मैंने आपका अगस्त जुलाई एंड में ज्वाइन किया, 30 डे चैलेंज। वाह, फिर से एक चैलेंज मिल गया। वो बहुत अच्छे होते, मतलब मैं भी अपने स्टूडेंट्स को चैलेंज दे के रखता हूँ अब क्लियरली, और बहुत भावना से वो आगे बढ़ते हैं। तो परफेक्ट। आपका चैलेंज लिया, और चैलेंज में बताते बताते आपने कुछ आइडियाज जो मेरे को दिए थे, मतलब वो सबको देते हैं, मेरे को भी 7 डेज एक आइडियाज मिल गया इकोसिस्टम वाला। तो करेक्ट। इकोसिस्टम बनाना आता था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना, लोगों को अप्रोच करना, वो मेरे को आपसे जानना मिला। और मैंने 7th डे क्लियरली आपके सजेशन के हिसाब से एक बड़े यहाँ के गारमेंटर को अप्रोच किया। उसको जाके समझाना आता था, तो एकदम तरीके से उसको समझाया कि भाई ये चीजें हैं, हम लोग गारमेंट वाले हैं, हम लोग यहाँ पे लैग कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, वो ऑनलाइन सेल कर रही है, अपने एजेंसीज बना रही है, हम लोग यहाँ पीछे रह रहे हैं। अगर हम जी नहीं फॉलो करेंगे, तो आज मैं पीछे हुआ हूँ, कल को आप भी पीछे होंगे। आज आप बड़े हो, कल को पीछे होने में टाइम नहीं लगेगा आपको। तो परफेक्ट। ये मैंने अच्छे से समझाया। उन्होंने उसी टाइम मेरे को टोकन अमाउंट दिया, मेरे को पूरा विश्वास है तुम कर लोगे, और 1.5 लाख का प्रोजेक्ट मेरे को 7वें दिन मिल गया। फैंटास्टिक। मैं लिटरली, मतलब मैं उसी दिन आपको फोन करने वाला, या कैसे भी करके अप्रोच करके बताने वाला था कि ये चीज है ना, आप भी अपनी टीम में मेरे को एक बार बोलने के लिए थोड़ा देना, कि मैं बताऊं, आप जो जी आइडियाज दे रहे हैं अप्लाई करो, लिटरली अप्लाई करो। और शर्म किस बात की? कोई चीज शर्म नहीं है। आपकी फैमिली भूखे मरी, ये शर्म तब कहाँ जाएगी? इससे सही। अच्छा है बाहर निकलो, इम्प्लीमेंट करो और खूब सारा पैसा कमाओ। और आपके प्रिंसिपल में सबसे अच्छी बात कि हम अगर पैसा अच्छे इंसान होके कमा रहे हैं, तो इससे पवित्र कोई काम नहीं है। परफेक्ट। आई लिटरली, मतलब बहुत इस चीज की अंदर से तारीफ करता हूँ कि ये चीज आप बाहर लेके आ रहे हो, जी टेक्निकल चीजें सिखाने के साथ साथ। तो आपकी तरह मैंने भी अपने प्रिंसिपल्स बनाए, हालांकि मैंने जैन रिलीजन्स के हिसाब से बनाए, जी अहिंसा, सत्य, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन सब के हिसाब से बनाए। बट वो जब भी कोई सुनता है, मेरे स्टूडेंट सुनते हैं, उनको भी वाह मजा वाला एक पॉइंट मिलता है। फैंटास्टिक। एंड एक और चीज मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा अपने बारे में, कि किसी भी सर को आप फॉलो करो, तो उनकी तह तक, उनके एकदम जितने भी पॉइंट्स, जिस तरह से बोलते, चाहे वो सिंगल पैकेज हो, डबल पैकेज हो, या हायर लेवल का पैकेज हो, पूरा लो उनका। वहां जी तक हमें सब कुछ ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जो, देखो, ज्ञान तो यूट्यूब और गूगल बहुत भरा पड़ा है, किताबों में भरा पड़ा है, लेकिन जो साथ में चल के गुरु जो अपने एक्सपीरियंस से आपको बताते हैं, वो कोई नहीं बता सकता। इसके परफेक्ट। लिए हमें एक गुरु चाहिए। तो मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको और अपने दोनों के गुरु को, बहुत। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अजीत, आप बहुत स्ट्रांग इम्प्लीमेंटर हो। आपके अंदर एक रेडिएंट पॉजिटिविटी मुझे नजर आती है। आई कैन सी इट दैट यू विल क्रिएट अ मूवमेंट। यस, सो 100%। बेस्ट ऑफ लक, और इस प्रोसेस में कहीं पर भी मैं आपकी हेल्प कर सकूं तो प्लीज मुझे जरूर मौका दीजिएगा।